आखिर नकुल और सहदेव कितने शक्तिशाली थे और उन्होंने महाभारत के युद्ध में किन किन योद्धाओं को हराया था, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस सिंधु। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महाभारत का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कर्ण की छवि सामने आती है। एक से बढ़कर एक बड़े योद्धा जो धर्म की तरफ थे तो कुछ अधर्म की तरफ। लेकिन उन पांचों पांडवों में दो ऐसे भी भाई हैं जिनकी गिनती सिर्फ पांडवों में की जाती है, लेकिन उनकी शक्ति का एहसास किसी को नहीं था। हम बात कर रहे हैं युधिष्ठिर की दूसरी माता माद्री के पुत्र सहदेव और नकुल की। हम सब जानते हैं कि कुंती को मंत्र प्रसाद स्वरूप किसी भी देवता का आह्वान करके पुत्र प्राप्ति का वरदान था और उन्होंने ये माद्री के साथ बांटा, जहां माद्री ने अश्वनी कुमारों का आह्वान कर दो पुत्रों की प्राप्ति की, नकुल और सहदेव। भगवान अश्वनी कुमारों के ये दोनों पुत्र बलवान होने के साथ साथ असीम दिव्य शक्तियों के मालिक थे। कहा जाता है कि नकुल इतने सुंदर थे कि उनकी सुंदरता के कारण उनकी तुलना कामदेव से की जाती थी। वहीं सहदेव सबसे ज्यादा बुद्धिमान और भविष्यवक्ता थे, जो भविष्य को देख सकते थे। उन्होंने पूरी महाभारत को पहले ही देख लिया था और कहीं से कथाएं ये कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ही सहदेव ने किसी को भी महाभारत का परिणाम नहीं बताया था। वही बात की जाए इनके युद्ध कौशल की तो नकुल तलवारबाजी में बहुत ही वीर थे, वहीं सहदेव फरसा चलाने में और तलवारबाजी में बहुत बड़ी महारत हासिल कर चुके थे। कहते हैं कि सहदेव के पराक्रम से तो पूरा दक्षिण कांपता था। अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के एक आदेश पर सहदेव ने अकेले ही पूरा दक्षिण जीत लिया था। इन दोनों के पास चिकित्सा पद्धति का बेहद ज्ञान था। कहते हैं कि अगर महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष का कोई भी सैनिक घायल अवस्था में पीड़ा से तड़प रहा होता था तो सहदेव और नकुल उसका इलाज करते थे। वहीं रणभूमि में हुए घमासान की बात की जाए तो नकुल सहदेव ने मामा शल्य को भी हराया था, दुशासन जैसे महापापी को भी हराया था। यहां तक कि उन्होंने शकुनी और साथ ही उनके पुत्र उल्का को भी मृत्यु के घाट पहुंचाया था। हम हमेशा पांडवों की बात करते हैं, लेकिन पांडवों में नकुल सहदेव की शक्ति का कोई भी ज्यादा बखान नहीं करता। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से अब लोगों को पता चल जाएगा कि नकुल सहदेव सचमुच बेहद शक्तिशाली थे। उनके अंदर आकर्षक गुण भी था, साथ ही वो शारीरिक रूप से यहां तक कि शस्त्र चलाने में और कई सारे दिव्यास्त्रों को ग्रहण करने वाले शक्तिशाली योद्धा थे। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि अगली आने वाली वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, अब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।